एवीएस का ही देखना है, एवीएस काम कर रहा है या नहीं। तो गाइस क्या है ना कि बहुत लोग का सवाल था कि भाई मीटर तो लगा लिया है 250 में, तो काम करेगा कि नहीं। जो मीटर है ड्यूक 390 Gen 3 का, वो हम लोग 250 Gen 3 में इंस्टॉल कर दिए हैं, ये क्रॉस किया हुआ है। तो अभी ऑन करके देखते हैं सेटिंग्स में जाके। देखिए एवीएस रेड कलर का आ गया है। आपको चेक करके देखते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं, तो थोड़ा स्पीड लेते हैं। ठीक है पूरा चक्का। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरी मोटो ब्लॉग्स। तो गाइस अभी हम रांची में ही हैं, अनिल के घर पे, और अभी आप वेदर देख सकते हैं, और अभी वेदर पूरा ख़राब किया हुआ है, मौसम एकदम बादल किया हुआ, कल से ही ऐसा मौसम है। तो अभी हम अनिल के घर पे, और अभी जैसे भी हम लोग बाइक निकाले तो देखें इसका बाइक से इंजन ऑयल लीकेज कर रहा है, और ये देख सकते हैं यहाँ पे इस जगह से पूरा इंजन ऑयल निकला हुआ है और यहाँ पे गिरा हुआ देख सकते हैं, और अंदर अंडर बेली पे भी है। तो ये पता नहीं कहाँ से लीकेज है, शायद इस जगह से होगा शायद, बट पर समझ में नहीं आ रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर पूरा लगा हुआ है, आपको नोटिस हो रहा हुआ ये रहा इस जगह पर। तो गाड़ी में पता नहीं कुछ दिन, तो गाड़ी तो कुछ दिन सही चल रहा था, बट आज अचानक से सुबह सुबह प्रॉब्लम देखने को मिला, और अभी तो कोल्ड स्टार्ट किए हुए हैं। अब देखते हैं कि क्या होता है इसका, तो थोड़ा इसको भी कोल्ड स्टार्ट कर लेते हैं एक बार। और अनिल थोड़ा परेशान है कि अचानक से बाइक में कैसे प्रॉब्लम आ गया, तो अभी क्या किया जाएगा, अभी देखते हैं ना, थोड़ा दूर चलते हैं, 1-8 किलोमीटर चलते हैं, उसके बाद देखते हैं। अगर कुछ ज़्यादा इन मेजर कुछ दिखा प्रॉब्लम, तो उसके बाद सर्विस सेंटर लेके जाना होगा। तो देख सकते हैं अभी अगर ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम हुआ तो फिर सर्विस सेंटर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि इंजन ऑयल लीकेज करना फिर दिक्कत ही है। इससे पहले पहले हुआ था ना एक बार, इससे पहले हुआ था स्टार्टिंग में, पूरा इंजन खुला था। हाँ एक बार स्टार्टिंग हुआ था, आप लोग वीडियो में देखेंगे इस ब्लॉग में जो डाला था 250 में, जो इंजन ऑयल लीकेज किया था सबसे पहले जब गाड़ी निकाला था तभी से, उस टाइम तो ठीक हो गया था। अभी 3-4 महीना हो गया लगभग, तभी तक तो ठीक ही चल रहा था, लेकिन रात से अचानक से अभी सुबह हम लोग देखें कि प्रॉब्लम आया। तो चलिए चलते हैं अभी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अनिल के दुकान पे जा रहे हैं, वहाँ पे देखेंगे जाके थोड़ा गाड़ी, और हाँ मेरा भी गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदा है, उसको आज धोना भी होगा, आज इसको वॉश भी करवाएँगे। तो चलिए चलते हैं। अब कोई गाड़ी इतना शौक से ख़रीदता है भाई, इतना ड्रीम रहता है कि भाई KTM की बाइक लें, और इसका गाड़ी शुरू से जब से ख़रीदा है तभी से प्रॉब्लम कर रहा है, गाड़ी में कुछ ना कुछ इसका प्रॉब्लम आ ही रहा है, और स्पीड मिसिंग वाला प्रॉब्लम तो इसका अभी तक ठीक नहीं हुआ। अब पता नहीं, देखते हैं अभी दुकान पर जाके उसके बाद क्या किया जा सकता है, शोरूम सर्विस सेंटर ले जाना होगा या फिर ठीक हो जाएगा। तो अभी हम यहीं पे अनिल के दुकान के पास ही हैं, और आज जा रहे हैं जो ड्यूक 390 है उसका मीटर आज हम लोग खोलने वाले हैं, और ड्यूक 250 Gen 3 में इंस्टॉल करेंगे। काफ़ी लोग का क्वेश्चन था कि 390 वाला जो मीटर है वो 250 में वर्क करता है कि नहीं प्रॉपरली। इससे पहले वाला जो मेरा ब्लॉग था उसमें हम मतलब AVS वाला हम चेक नहीं किए थे कि AVS वर्क कर रहा है कि नहीं 390 वाले मीटर में। आज आपको जितना सारे क्वेश्चन था जो मेरे मतलब वीडियो में आ रहा था, तो उसका आज सारा क्वेश्चन का आपको आंसर मिल जाएगा कि ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं 390 का मीटर 250 Gen 3 में। तो ये रहा मेरा बाइक, और इसी का मीटर अभी खुलेगा, ये रहा देख सकते हैं, अब इसको ऑन करके आपको दिखा रहे हैं। तो ये वाला मीटर अभी हम लोग इसमें Gen 3 में लगाएंगे, और आपको दिखाएंगे कि क्या क्या इसमें काम कर रहा है, जितने सारे इसमें मोड वगैरह है इसमें काम कर रहा है कि नहीं। इसमें रेन मोड है, और ये स्पोर्ट्स मोड, ट्रैक मोड है, तो ये सारा मोड इसमें काम कर रहा है कि नहीं, और ABS जो दिया हुआ है, ABS इसमें वर्क तो नहीं काम करेगा, ट्रैक मोड सब काम नहीं करेगा, क्योंकि इसमें वो सब दिया हुआ नहीं ना फीचर। हाँ वो तो सब काम नहीं करेगा, तो ट्रैक मोड ये सब वगैरह नहीं इसमें काम करेगा, क्योंकि इसमें दिया हुआ नहीं है। तो अभी हम लोग इसका मीटर पहले निकाल रहे हैं 250 Gen 3 का, और इसका वाला लगाएंगे इसमें,
फिर पता चल जाएगा कि काम कर रहा है कि नहीं। तो अभी से उसके पहले हम लोग को नंबर प्लेट निकालना पड़ा यहाँ पे, उसके बाद ये नट खोलना पड़ेगा दो, उसके बाद प्रिंट मीटर निकल जाएगा। तो क्या लगता है काम करेगा? ABS काम करेगा? ABS तो ही हमको भी चेक करना है, ABS का ही देखना है ABS काम कर रहा है या नहीं। तो गाइस क्या है ना कि बहुत लोग का सवाल था कि भाई मीटर तो लगा लिया है 250 में तो काम करेगा कि नहीं। ये वीडियो हम लोग इससे पहले जो वीडियो बनाए थे उसमें हम लोग उतना ध्यान नहीं दिए थे कि ABS वगैरह काम कर रहा है कि नहीं, बस चलाएं चलाएं देख लिए थोड़ा बहुत ऑन ऑन करके, तो उस टाइम उतना हम लोग नहीं देखे थे। तो आज हम लोग पूरी अच्छी तरीके से चेक करेंगे कि काम कर रहा है कि नहीं। और यहाँ पे जो दोनों जेन 3 है और उधर जेन 2 है, दो कपलर है, दोनों कपलर एक बड़ा वाला है और एक छोटा वाला है, तो इसको अच्छे से निकालना होगा। तो हमारे जो मैकेनिक है भाई यही है जो सारा कुछ काम करता है, देख सकते हैं फॉग लाइट वगैरह इंस्टॉल कर लिया है अपना, खुद से किया है और बहुत बड़ा नट दिया है, देख सकते हैं बहुत मजबूत है, और ये मजबूत है ही नहीं लेकिन नट बहुत मजबूत है। तो अभी मेरा गाड़ी में और एक चीज़ दिक्कत हुआ है कि इसका हैंडल जैसे आपको दिखाए थे कि ये लूज़ हो जाता है, ये देखिए ऊपर नीचे होता है, तो ये पत्ती है ना, ये पत्ती को अभी निकालेंगे और इसको पतला करेंगे, थोड़ा पतला पत्ती देना पड़ेगा, मोटा लग गया है तो इसीलिए ये भी काम होगा, अभी आपको ये भी दिखाएंगे। हाँ तो ये देख सकते हैं 250 कैसा लग रहा है, लग रहा है कि ये स्टंट वाला बाइक एकदम खुल गया मीटर उटर, इसको थोड़ा हैंडल और ऊपर कर देगा तो बढ़िया लगेगा, छपरी लगेगा। तो गाइस देख सकते हैं, लुक देखो गाड़ी का, पहले देखो सुपर ड्यूक है 1290 ना, थोड़ा आराम से काम करो, देखो नया गाड़ी है थोड़ा आराम से खोलने बोल रहे हैं, देखो क्या कर रहा है। इसमें भी सेम वैसे कपलर है जैसे दिया हुआ है उसमें, दोनों का पूरा सेम है, हाँ दोनों में सेम कपलर है। और ये वाला हमको पत्ती निकालना है, अभी देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, तो मोटा पत्ती लगा दिया है मेरा जान बुझ के, यही लगाया है, इतना मोटा लगा दिया कि हैंडल मेरा टाइट नहीं हो रहा है। हैंडल देखिएगा, हैंडल देखिए, हैंडल दिखा भाई, हैंडल दिखाते हैं, ये देखिए एडजस्टेबल हैंडल, ये देखिए इसको नीचे भी कर सकते हैं आप, इसको ऊपर भी कर सकते हैं, हां ये चलते चलते ऊपर नीचे हो, अरे मेरा ढीगी हो जाएगा, इसका ग्रिप खत्म हो जाएगा, प्लेन हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, फिर इधर भी घूमेगा आप, उधर भी घूमेगा, फिर सिटी में घुमा सकते हैं आप इसको। ड्यूक 390 जेन 3 में आपको एडजस्टेबल हैंडल मिल जाता है, देखिए इसमें एडजस्टेबल सब कुछ दिया हुआ, शॉकर भी एडजस्ट कर सकते हैं आगे पीछे दोनों का, हैंडल भी कर सकते हैं। तो जरा कीमती चीज, कीमती बहुत कीमती, इसमें देखिए बहुत कीमती चीज देख सकते हैं, जरा छोटा एक वाशर इसको निकालो नहीं तो गिर जाएगा, काफ़ी कीमती चीज़ है ये। तो इसमें बहुत सारा मतलब फीचर्स दिया हुआ है इसमें, तो ये रहा दोनों को लिया, देख सकते हैं दोनों का कैसा लुक आ रहा है। तो अभी हम लोग जो इसका जो पत्ती है वो पत्ती अभी हम लोग मतलब ये घिस के उसको पतला करके टाइट कर दिए, और अब हैंडल टाइट हो गया, देख सकते हैं अब नहीं हो रहा है, नहीं घूम रहा है, तो ये वाला काम तो हो चुका है। अब इस तो हम लोग का जो मीटर है ड्यूक 390 जेन 3 का, वो हम लोग 250 जेन 3 में इंस्टॉल कर दिए हैं, और ये रहा मीटर, और आपको फ्रंट से भी लुक दिखा देते हैं, तो आपको दिखा दे रहे हैं ये 250 ही है, ये रहा। तो अभी इसको ऑन करते हैं और आपको दिखाते हैं, ये रहा ऑन हो गया, और देख सकते हैं इस पर ये जो है ओडोमीटर, ये मेरा 3200 मेरा 390 का है जो चला हुआ है, और ये जो आपको दिख रहा है ABS, यहाँ पे ABS का ऑप्शन है, और रियर वाला ये वर्क नहीं करेगा लगता है, यहाँ पे दिखा रहा, देख सकते हैं ये क्रॉस किया हुआ है। तो अभी ऑन करके देखते हैं सेटिंग्स में जाके, देखिए ABS रेड कलर का आ गया, ये रेड कलर का मतलब जल रहा है यहाँ पे, दिखा रहा है स्क्रीन पे, तो हमको लग रहा है ABS वर्क नहीं कर रहा है, बट एक बार फिर भी सेटिंग्स में जाके देखते हैं, पहले तो मोड देखते हैं, ये रहा स्ट्रीट है और ये ट्रैक, तो ट्रैक मोड इस पर मोड नहीं है 250 में, तो ये स्ट्रीट में ही काम कर रहा है, ट्रैक मोड रेन मोड नहीं शो कर रहा है, मतलब वर्क नहीं कर रहा, ट्रैक तो दिख भी रहा है बट रेन मोड इसमें नहीं दिख रहा है। और ABS में जाके देखते हैं, तो ABS में देखिए यहाँ पे रोड लिखा हुआ है, इसको सुपर मोटो करते हैं,
तो देखिए सुपर मोटो काम नहीं कर रहा है, रियर वाला नहीं काम कर रहा है। इस पर देखिए वार्निंग दे रहा है, तो इस पर देख सकते हैं रोड है। और फिर से इसको करके देखते हैं सुपर मोटो। तो देखिए सुपर मोटो ब्लिंक कर रहा है यहाँ पे लिखा हुआ जो है, यानी कि पीछे वाला इसका ब्रेक ABS नहीं काम कर रहा है। तो आप लोग को इसका आंसर तो मिल गया, अभी हम उसको चला के देखेंगे, थोड़ा बहुत राइड करके देखते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको। और भी देखते हैं इसमें क्या क्या दिखा रहा है, गटरी वगैरह सब तो सेम है। और इसमें क्विक शिफ्टर काम कर रहा है कि नहीं वो भी देख लेते हैं एक बार। ये रहा क्विक शिफ्टर, ये तो ऑन दिखा रहा है, इसको ऑफ करके देखते हैं। ये तो काम कर रहा है, हाँ क्विक शिफ्टर काम कर रहा है इस पर। तो जो जो आपको 250 में मिलेगा वो आपको इस पर काम करेगा, बट 390 का जो मोड वगैरह है वो काम नहीं करेगा। और NTC वो भी नहीं काम कर रहा है इस पर तो ऑप्शन ही नहीं दिखा रहा है उसका। तो देख सकते हैं यहाँ पे, हाँ वो NTC वाला भी ऑप्शन नहीं दे रहा है इस पर। तो आप लोगों ने देख लिया, और अभी हम उसको थोड़ा सा ड्राइव करके देखेंगे। अब यहीं पे थोड़ा बहुत राइड करते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। यहाँ पे MTC का यहाँ पे ऑप्शन देता है, एक जलता है दिखता है यहाँ पे, वो यहाँ पे ऑप्शन ही गायब है यहाँ से। तो अब चलते हैं फटाफट से मोटो ब्लॉगिंग सेटअप में, और आपको दिखाते हैं और बताते हैं कुछ इसकी ABS वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं चलाने के टाइम। तो चलते हैं, अब हेलमेट माउंट कर लेते हैं कैमरा को। चैनल का नाम तो बच्चा लोग आ गया है यहाँ पे, तो अभी हम लोग इसका ABS चेक करने के लिए निकले हैं। तो बच्चा लोग अभी व्हीली मारेगा, अभी दिखाएंगे आपको। नाम नहीं पता तब क्या फायदा, देखो गाइस व्हीली मार रहा है, देखो उधर से मारते हुए आओ। तो ये रहा व्हीली मार रहा है, देखो ये देखो बताओ सही में हम लोग कोई विली नहीं मारने आता है यार, बच्चा लोग विली मार रहा है अभी। तो चलिए अबे मीटर में बताते हैं आपको। तो इसका जो देख सकते हैं अभी यहाँ पे सर्विस वगैरह, ये तो सेटिंग्स वगैरह पे है। और रियर ABS तो आपको जैसे कि दिखा है यहाँ पे, ये रहा दिख रहा होगा, तो रियर ABS यहाँ पे क्रॉस दिख रहा है यहाँ पे, तो हमको लग रहा है काम नहीं कर रहा होगा। तो अभी आपको चेक करके देखते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं। तो थोड़ा स्पीड लेते हैं, पूरा चक्का स्केट कर गया एकदम, यानी कि पीछे वाला इसका ABS वर्क नहीं कर रहा है। और फिर से थोड़ा सा चेक करके देखते हैं, देखिए पूरा स्किट कर गया, पूरा टायर स्किट कर रहा है, मतलब रियर वाला इसका ABS काम नहीं कर रहा है। और फ्रंट वाला चेक करके देखते हैं। तो यहाँ पे दिख सकता है आपको ABS लाइट जल गया है यहाँ पे, और स्क्रीन पे दिख रहा होगा ABS, यानी कि ABS नहीं काम कर रहा है। और इसको हटाते हैं तो फ्रंट वाला भी देख लेते हैं एक बार। फ्रंट वाला तो आगे वाला काम कर रहा है, आगे वाला मेरा जैसे कि लगता है कि थोड़ा रुक रुक के थोड़ा लेता है, बट समझ में तो नहीं आ रहा हमको ऐसा फील। खड़ा हो जा रहा है, हाँ। इसका मोड वगैरह, तो मोड वगैरह कोई काम नहीं कर रहा है इसमें, जो इसमें स्टॉक में जो दिया हुआ है मोड वही काम कर रहा है। स्ट्रीट बस ट्रैक तो काम नहीं कर रहा, देख सकते हैं फिर स्ट्रीट हो जा रहा है। तो मोड वगैरह जो इसमें ड्यूक 250 में आपको मिलता है वही सब है, और ABS इसमें वर्क नहीं कर रहा। ये आप लोगों को क्लियर हो गया कि ABS वर्क नहीं कर रहा है। जैसे कि आप लोगों ने देख लिया बाइक, मतलब मीटर देख लिया गाड़ी में इंस्टॉल किए, और अभी थोड़ा बहुत राइड किए, और आपको बता दिए कि गाड़ी में मतलब ABS जो है वर्क नहीं कर रहा। आपको दिखा देते हैं एक बार फिर से। तो ये रहा यहाँ पे, और देख सकते हैं तो यहाँ पे एक वार्निंग वाला रहता है, यहाँ पे वार्निंग देखिए, यहाँ चार वार्निंग दिखा रहा है ये तो। हाँ देखिए, फर्स्ट ABS जो दिखा रहा है, ABS फेलियर कॉन्टैक्ट डीलर, तो ABS तो काम नहीं कर रहा है, ये आपको क्लियर पता चल गया। और अभी आपको दिखा भी दिए राइड करके कि पीछे वाला ABS वर्क नहीं कर रहा है। और ये जो वार्निंग है सर्विस डी, ये तो अभी टाइम और डेट सेट करेंगे तो ये हट जाएगा। और ये तो अभी किल स्विच वाला है तो ये हट गया, देख सकते हैं अभी स्टैंड लगा हुआ है, इसलिए ये थर्ड वार्निंग दिखा रहा है। तो आपको पता चल गया, क्लियर हो गया।
और अगर आप लोग कोई भी मीटर लगाना चाहेगा तो भाई हम तो बोलेंगे कि सजेस्ट करें कि मत ही लगाओ, क्योंकि इसमें कुछ भी उसका 390 का मतलब इसमें काम नहीं करता है, जो 250 में ही है वही काम करेगा। और अगर इस मीटर को लगाने जाओगे तो आप झूठों का 35 से 40 हज़ार रुपये आप खर्चा कर दोगे, तो हम तो सजेस्ट करेंगे कि भाई ये मीटर मत लगाना। अगर कुछ अगर ABS वगैरह काम करता तो आप लगा सकते थे, बट ABS ही वर्क नहीं कर रहा है, वो सेफ्टी के लिए ही है, और जब सेफ्टी ही नहीं रहेगा तो फिर क्या फ़ायदा यार ये मतलब मीटर लगाने का। तो ये डाउट तब लोग क्लियर हो चुका है कि काम नहीं करेगा। हाँ, अगर लुक्स के लिए लगाना चाहते हो तो भाई लगा सकते हो आप लोग, क्योंकि इसमें कलर्ड डिस्प्ले है तो आप लगा सकते हो, बट ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं, वो ब्लैक एंड वाइट है और ये कलरफुल है बस। और जो मोड्स वगैरह तो वो 390 है, तो भाई उतना तो देगा ही उसका फीचर्स वगैरह, और इस पर प्राइस डिफरेंस भी आ जाता है बहुत ज़्यादा, 1 लाख का डिफरेंस आ जाता है दोनों बाइक में। तो आप लोगों ने देख लिया, तो चलिए ब्लॉग को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, और अगर कुछ भी और क्वेश्चन रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, तो हम आपको बता देंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर और सेफ राइड।